नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, जीएमसी जम्मू। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। हमारे जम्मू कश्मीर में अभी दो कोविड वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीन्स कारगर हैं, दोनों वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 80% के करीब है। वैक्सीन लगाने के बाद आपको पहले दिन या दूसरे दिन बुखार, दर्दें, उल्टी करने का मन, सिर दर्द, खुमारी हो सकती है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैक्सीनेशन का हमारे बॉडी में थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉन्स रहता है और इसके लिए सिंपल आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट खा सकते हैं अगर आपको फीवर या दर्दें ज़्यादा हो रही हैं। अगर ये फीवर और दर्दें 2 दिन से ज़्यादा हो, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप किसी हेल्थ सेंटर में जाकर या किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारी अफवाह फैली हुई है कि क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं खुद कोविशील्ड वैक्सीनेटेड हूं, दोनों वैक्सीन मेरी लग चुकी हैं और उसके बाद मैंने अपना एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी चेक कराया है जो काफी अच्छा है और यही मुझे आज कोविड कॉन्फिडेंस दे रही है कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे हम कोविड पैंडेमिक को हरा सकते हैं। हर किसी को ये वैक्सीन लगवानी है। यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू और कश्मीर ने कोविड वैक्सीन और कोवैक्सीन अब हमारे 18 से 44 साल के लोगों के लिए शुरू कर दी है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि हर कोई ये वैक्सीनेशन लगाए और जल्दी लगाए सो दैट और उसके बाद अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। ये नहीं धारणा आनी चाहिए कि मेरे को अब वैक्सीन लग गई है तो मैं अब कोविड से बच गया हूँ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी फॉलो करना है।